नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार की ये उम्दा विदेश नीतियों का ही नतीजा है, जिसके चलते आज दुनिया का हर देश भारत के साथ मिलना चाहता है, भारत से जुड़ना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी अपने पहले कार्यकाल में करीब 93 देशों का दौरा कर चुके हैं। अभी हाल ही में वो सऊदी अरब से लौटे ही थे कि अब उनकी बैंकॉक जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक वक्त वो था जब विरोधी पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाते थे, जुबानी हमले कर कहते थे कि मोदी जी हर वक्त देश से गायब रहते हैं। लेकिन अब जब पीएम मोदी के विदेश दौरों का फायदा दिखने लगा तो विरोधियों को सांप सूंघ गया। जी हाँ, एशिया से लेकर यूरोप, दूसरे देशों का दौरा कर पीएम मोदी ने ना सिर्फ रिश्तों को मजबूती दी बल्कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए। मंदी की मार झेल रहे विश्व के बाकी देश भारत के विशाल बाजार में निवेश करना चाहते हैं। ये मोदी सरकार के मजबूत कूटनीतिक रिश्तों का ही नतीजा है कि कश्मीर मसले पर सिर्फ तुर्की, मलेशिया और चीन को छोड़ हर कोई भारत का समर्थन कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सबसे अजीज दोस्त सऊदी अरब ने तक पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अब एक बार फिर पीएम मोदी के विदेश दौरे की तैयारी शुरू हो गई है। असल में आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 30वें RCEP शिखर सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पीएम मोदी 2 दिन के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने बताया, क्षेत्रीय व्यापारिक आर्थिक भागीदारी मुद्दों को सुलझाने के लिए बैंकॉक में बातचीत चल रही है। नेताओं के शामिल होने पर सम्मेलन में वार्ता की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। RCEP ब्लॉक में आसियान समूह के 10 देश हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम है, और उनके 6 FTA साझेदार शामिल हैं। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड FTA साझेदार हैं। Prime Minister will be visiting Bangkok from 2nd to 4th November at the invitation of the Prime Minister of Thailand, His Excellency Prayut Chan-o-Chan, and his visit is for the 16th ASEAN-India Summit, 14th East Asia Summit, the 3rd RCEP Summit and related events. The ASEAN-related summits are an integral part of our diplomatic calendar. This will be Prime Minister Modi's 7th ASEAN-India Summit and 6th East Asia Summit. Last year, you would recall that in January, India had hosted the 25th anniversary commemorative summit of Indo-ASEAN, and in which all the 10 ASEAN leaders had participated. Then the Delhi Declaration was adopted, wherein it was agreed to further strengthen and deepen the ASEAN-India strategic partnership. Thereafter, in November last year, Prime Minister had in Singapore held, along with the ASEAN leaders, an informal India-ASEAN summit. So we had 2 engagements with the ASEAN last year. वैसे जब-जब चुनावों के बाद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी बैंकॉक जाते हैं तो बीजेपी नेता उन पर चुटकी लेती है। लेकिन अब जो कि पीएम मोदी 2 से 4 नवंबर तक बैंकॉक दौरे पर होंगे, तो ऐसे में दोनों देशों के, या फिर यूं कहें कि दोनों मुल्कों के रिश्तों में कितनी मजबूती आती है और क्या सौगातें पीएम मोदी जी भारत के लिए लेकर आते हैं, फिलहाल ये तो देखने वाली बात है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।